गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स और हैप्पी वेडनेसडे। और अभी सुबह के 11:30 बज गए हैं और मैं सोची थी आज मॉर्निंग से ही मैं ब्लॉग स्टार्ट करूंगी, क्योंकि आज मेरा थोड़ा सुबह बहुत काम था कि बाहर गई थी मैं। बाहर मतलब यहाँ की जो ब्लॉक है, मेरा जो ट्रेनिंग सेंटर होगा, तो इसीलिए थोड़ा काम था, ब्लॉग में गई थी। अभी आके घर में नहा के मैं कुक भी करूंगी और मेरे घर में आज एक गेस्ट आएंगे खाना खाने के लिए, तो इसीलिए मैं बहुत जल्दी से हूँ, जल्दी से कुक करूंगी। और मेरा बेटा भी आ जाएगा और बाहर बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है आज सुबह से ही, तो अभी बहुत टाइम हो गया, तो कुक फटाफट से कुक करूंगी। आज मेरा हस्बैंड प्रॉन लेके आए हैं, आज मार्केट में भी बहुत अच्छा फीस नहीं है तो इसीलिए प्रॉन लेके आए हैं, तो अभी मैं प्रॉन की एक पातूरी बनाऊंगी। तो जो गेस्ट आएंगे उन्होंने बोले हैं कि मौसमी आज तुम्हारा हाथ से मैं पातूरी खाऊंगी, इसीलिए आज पातूरी प्रॉन की पातूरी बनाऊंगी। तो बहुत बार तो मैं पातूरी शेयर कर चुकी हूँ तो आज भी करूंगी। तो इसमें मैं सरसों को पेस्ट कर लिया और आलू छोटा छोटा पीस कट के रखी हूँ और हल्दी पाउडर दे दूंगी। और इसमें है टोमेटो, अनियन, ग्रीन चिली और प्रॉन। तो इस बाउल छोटा हो गया तो अभी एक बड़ा बाउल ले लिया हूँ, क्योंकि बड़ा बाउल में मिक्स करने में दिक्कत नहीं होता है। और ऑयल दे दिया हूँ, तो आज बनाऊंगी प्रेस्टीज में। सब कुछ मिक्स कर दूंगी अच्छा से और ये कुछ गार्लिक को मैं कद्दूकस करके देती हूँ, क्योंकि गार्लिक देने से और भी टेस्ट ज्यादा बढ़ जाता है। और अभी जीरा पाउडर, ये जीरा पाउडर मैं घर में बना के रखी हूँ। और ये लाल मिर्च पाउडर, अभी कढ़ाई में थोड़ा सा तेल दे दूंगी क्योंकि गर्म हो जाएगा कढ़ाई। और अभी नमक दे रहा हूँ, तो इसको अच्छा से फोल्ड कर दूंगी। कढ़ाई भी गर्म हो चुका है, भी बनाऊंगी सोजना साग। आप लोग जानते हो ये साग, सोजना साग तो कहते हैं ना, और मेरा तो सोजना साग भूल हो गया, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा ये साग को क्या बोलते हैं। हम लोग तो इसको सोजना साग ही बोलते हैं। अभी मैं साग को छोंक लगाऊंगी, तो साग में मैं क्या क्या देती हूँ आप लोग देखिए, आप लोग कैसे छोंक देते हैं मेरे साथ शेयर कमेंट करके बताइएगा। और मैं तो ऐसे ही छोंक देती हूँ, तो दिखाती हूँ। पहले ऑयल, ज्यादा ऑयल नहीं दूंगी क्योंकि मेरा ये जो साग है ना इतना सा हो गया तो अभी इसमें ये गार्लिक और ये ग्रीन चिली कद्दूकस कर लिया। थोड़ा सा नमक दूंगी,
रेसिपी है नारियल। ये साग देख लेंगे और इसमें थोड़ा सा शुगर भी दूंगी, अभी थोड़ा सा शुगर। ओ बाबा, कितना सा हो गया देखिए। साग तो हो गया, अभी ये पंकिन काजू और ये प्रॉन, इसको आज इमली खट्टा करूंगी, इमली से खट्टा करूंगी। अभी ये लाल मिर्च, ये है पांच फोड़न। तो हम जो बंगाली लोग ये यूज करते हैं पांच फोड़न। तो ये पंपकिन को भी दे दूंगी। और ये प्रॉन को मैं हल्दी और नमक मैरिनेट करके रखती हूँ। तो ये थोड़ा सा फ्राई हो जाएगा। और ये इमली को मैं पानी से भिगो के रखी हूँ। ये फ्राई हो चुका है, इसमें नमक दे दूंगी। और ये है इमली पानी। ये काजू थोड़ा सा दे दूंगी क्योंकि काजू देने में भी बहुत अच्छा लगता है टेस्ट। इमली का खट्टा ठीक ठाक है आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और कौन कौन इस तरह घर में बनाते हैं वो भी बताएंगे। और सिर्फ चावल को चढ़ाऊंगी धो के, हो गया मेरा कुक, आज का कुक खत्म। और जिन्होंने खाएंगे आज गेस्ट, उन्होंने बोला है ये सब देसी खाना खाएंगे और चिकन वगैरह नहीं खाएंगे, इसीलिए चिकन तो कल मैं कुक किया था, तो इसीलिए आज फीस भी मार्केट में अच्छा फीस नहीं है, तो इसीलिए जो है इसी में ही चला दूंगी। ये खट्टा हो चुका है, इसमें अभी थोड़ा सा शुगर दे दूंगी। शुगर में थोड़ा सा पानी में ऐड करके रखी थी क्योंकि जल्दी से हो जाएगा। और ज़्यादा जूस रखी हूँ, थोड़ा सा जूस रखी हूँ क्योंकि हम लोग चावल के साथ खाएंगे इसीलिए। तो अभी चावल बैठा दूंगी, चावल को धो लिया और ज़्यादा सा चावल ले लिया हूँ। और इसमें अभी ये तीन आलू दे दूंगी क्योंकि मेरा बेटा ये खट्टा नहीं खाएगा, खाएगा ज्यादा नहीं खाएगा, तो इसीलिए आलू बॉयल हो जाएगा। उसके बाद लाल मिर्च,
लाल मिर्च और प्याज, जीरा पाउडर सब मिक्स करके आलू भरता बनाऊंगी। और थोड़ा सा ज्यादा चावल आज ले लिया हूँ क्योंकि आज रात को मैं डिनर नहीं बना पाऊंगी, क्योंकि मेरा जो ट्रेनिंग, नया वाला ट्रेनिंग सेंटर होगा ना, तो उसका सब कुछ रेडी करना है मेरे को, कागज और थोड़ा सा बाहर भी जाना है मुझे, तो इसीलिए रात को आज डिनर नहीं बना पाऊंगी, इसीलिए ज्यादा चावल लिया हूँ। क्योंकि जो पानी राइस होता है ना, राइस में पानी डाल के खाएंगे, ये पतूरी रख दूंगी थोड़ा सा और ये राइस में पानी डाल दूंगी, तो हम लोग वही खाएंगे रात को आज। तो आप लोग खाते हैं क्या, तो बताइएगा जरूर, कौन कौन खाते हैं पानी राइस। पानी राइस मतलब हम लोग तो पांता भात कहते हैं, लेकिन राइस के साथ पानी डाल के वो अच्छा लगता है खाने में, तो हम लोग तो खाते हैं, तो आप लोग कौन कौन खाते हैं जरूर बताइएगा। तो इसीलिए आज थोड़ा सा ज्यादा चावल ले लिया हूँ। सो फ्रेंड्स, अभी शाम के 5 बजे हैं और हम लोग अभी चाय पियेंगे और मेरा बेटा का टीचर भी आए हैं पढ़ाने के लिए, आज बहुत जल्दी से आ गए हैं। तो चाय पीने के बाद मेरा जो बेकरी है, बेकरी ट्रेनिंग सेंटर है, तो उसका काम करेंगे मेरा हस्बैंड और मैं बैठ के। और इधर मेरा बहुत सारे कपड़ा मैं डाल दिया हूँ सूखने के लिए, क्योंकि बाहर बहुत बारिश हो रहा है, तो इसीलिए। बहुत कौन आया अभी, तो मेरा हस्बैंड आए हैं क्योंकि गए थे फैक्ट्री थोड़ा, तो काम खत्म करके आ गए हैं। और तो मैं खुश हूँ इसीलिए कि मेरा जो ट्रेनिंग सेंटर, मैं बहुत दिनों से ट्राई कर रही थी कि होगा कि नहीं होगा, तो फाइनली हो चुका है। और गणेश पूजा की बात स्टार्ट होगा, डेट मुझे नहीं दिए हैं ब्लॉग से, कब भेजेंगे उन लोग, जो लेडीज़ ग्रुप का, लेडीज़ लोगों का जो ग्रुप होता है एसएसजी का जो ग्रुप होता है ना, उन लोग सब ट्रेनिंग लेंगे मेरे पास से। तो सब कुछ पेपर आप लोग को आज दिखाती हूँ। तो ये है ब्रोशर पेपर, और ये है फॉर्म एडमिशन के लिए। और ये है लेटर पेट। तो इसीलिए मैं आज बहुत खुश हूँ और बहुत
कोई चीज़ खुद आप कर सकते हैं तो बहुत खुश होता है ना। तो मैं ये सब चीज़ खुद क्या बोलते हैं, खुद ही मैं करूँगी, तो इसीलिए मेरा हस्बैंड तो फैक्ट्री में रहेंगे और मैं इधर ये सब चलाऊँगी, तो इसीलिए मैं आज बहुत खुश हूँ। अभी मेरा बेटा गया है ट्यूशन और एक ट्यूशन गया है लैंग्वेज ट्यूशन, और मेरा हस्बैंड थोड़ा गए थे अभी फैक्ट्री, और बारिश हो रहा है तो काम भी कुछ नहीं है, तो इसीलिए घर में चले आए। और आज रात को तो डिनर तो नहीं बनाऊंगी, हम लोग खाएंगे पानी राइस। मेरा बेटा नहीं खाएगा, उस बेटा के लिए चाउमीन ही बना दूंगी आज रात को। फ्रेंड्स, अभी रात के 8:30 बजे हैं और मैं अभी कुछ कपड़ा है वो डाल दिया हूँ धोने के लिए, और बहुत दिनों से बारिश हो रहा है तो बहुत कपड़ा जम गया है धोने के लिए। और इधर एग बॉईल कर रही हूँ, मेरा हस्बैंड और मैं खाऊंगी, और ये मेरा बेटा के लिए चाउमीन बनाऊंगी थोड़ा सा, वो राइस पानी राइस नहीं खाएगा तो इसीलिए वो चाउमीन खाएगा। और आज का ये वीडियो यहाँ पर ही ख़त्म करती हूँ, तो आप लोगों को साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय।